हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुखजीत सिंह एंड आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये रियल टाइम टाइमर के ऊपर है, जिसको हम टाइमर स्विच भी बोलते हैं। एंड ये टाइमर है दोस्तों, ये आप किसी भी डेट, मंथ और किसी भी टाइम पे के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो इसके मेक की बात करें तो इसका मेक L&T का है ये टाइमर। एंड इसमें जो आपको इसकी जो फैसिलिटी है, इसकी जो एप्लीकेशन, मैं कहूँ कि एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज़ आपने किसी कंपनी में है तो लाइटिंग ऑपरेट करवानी है, जैसे कि शाम को 7 बजे लाइट ऑपरेट हो जाना चाहिए एंड सुबह 7 बजे जो आपका लाइट है, या 6 बजे से 7 बजे, जैसा भी आप टाइम रखना चाहें, उस टाइम पे आपका लाइट बंद हो जाना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक वर्किंग के लिए आप ये वाला टाइमर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये 1500-1600 के बीच में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। एंड इसकी प्रोग्रामिंग, वो भी मैंने मैनुअल इसका पढ़ा है तो वो भी मुझे ठीक लगी। एंड और इसके बीच में एक और फीचर है दोस्तों, इसके बीच जो है बैटरी इनसाइड लगी हुई है, उससे जो है इसका क्लॉक है, क्लॉक तो क्लॉक एक्चुअल टाइम काम करता है एंड आपको एक्चुअल टाइमिंग मिलती है। तो उसके बाद दोस्तों, अभी जैसे डिस्प्ले बंद पड़ी है तो इसमें एक और फीचर है कि अब जैसे है, इसका टाइमर तो चल रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रही है इसकी। तो आप क्लॉक प्रेस करोगे तो जैसे देखिए डिस्प्ले आ रही है। तो आप इसमें क्या है, ये ज़्यादा बैटरी नहीं खाएगा आपका, क्योंकि ये स्लीप मोड में चला जाता है। अंदर से प्रोग्राम तो इसका ऑन रहेगा बट डिस्प्ले बंद हो जाएगा। इस वजह से ये क्या है, आपका बैटरी कम कंज्यूम करेगा और ये बढ़िया बैकअप देगा। तो इसके बटन्स की बात कर लें दोस्तों, इसमें क्या क्या है और ये किस वोल्ट पे काम करता है। तो जो इसको पावर है, जो इसकी हम पावर आउटपुट लेंगे और इनपुट लेंगे, तो ये इनपुट पावर है इसकी 230 वोल्ट AC पे चलेगा ये। तो जो इसकी रिले को सप्लाई जाएगी, रिले ऑन होगी इसकी अंदर से, वो 230 वोल्ट AC से जो है चलेगी। उसके बाद जो इसकी आउटपुट है, ये 15, 18 और 16 नंबर, ये आपको पोटेंशियल फ्री इसके जो है टर्मिनल्स मिल जाते हैं। इस पे आप 24 वोल्ट भी लगा सकते हो, 12 वोल्ट भी लगा सकते हो, 240 वोल्ट भी लगा सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे कॉन्टैक्ट ले सकते हो, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्टर लगा के आप अपनी जो लाइटिंग है वो ऑपरेट करा सकते हो। किसी मशीन का टाइमिंग है, टाइमिंग पे किसी को चलाना है, वो चीज़ ऑपरेट करा सकते हो। एनी वन एप्लीकेशन आप इससे चला सकते हो। तो इस पे दोस्तों, इसका जो कीपैड है, कीपैड में एक प्रोग्रामिंग है, इससे आप जो है जो रिले की प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हो। D+ से आप डेट कर सकते हो, H+ से हावर सेट कर सकते हो, M+ से जो है मंथ, और ये एंटर की है। इसी तरह से जो PR वाली की है, जो प्रोग्रामिंग वाली, ये एस्केप की है। उसके बाद दोस्तों, ये इंडिकेटर लगा हुआ है इसमें, इससे पता चलता है कि जो रिले है, रिले ऑन है या ऑफ है, इससे पता चल जाता है। एंड दोस्तों, उसके बाद ये मैनुअल वाली जो बटन है, इससे आप रिले को मैनुअल या ऑटो दोनों मोड पे चला सकते हो। उसके बाद आ गया दोस्तों क्लॉक, क्लॉक से हमारा जो रियल टाइम का क्लॉक है ये ऑपरेट होगा। तो इसके बाद ये एक रीसेट का बटन है, तो पहले हम ऑन करते हैं। ये ऑन करा तो जैसे कोई भी प्रोग्राम आपने कर लिया, उसको रीसेट करना है दोबारा सारा, तो इसको ऐसे दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अब दोस्तों, पहले तो हमने ये देखना है ये 24 आवर में करना है या 12 आवर में करना है। तो आप क्लॉक प्लस M वाली की दबाओगे, ये देखिए ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, तो हम 12 आवर पे चलेंगे। उसके बाद हमने इस पे डेट सेट करनी है, तो आप H+ एंड M+ की दोनों को एक बार में पुश करोगे। ये देखिए यहाँ पे डेट आ चुका है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, ये आ गया ईयर, ईयर को आप
यहाँ से बढ़ाओगे, ये रहा हमारा 19, एंटर करेंगे। उसके बाद हमारा आ गया मंथ, मंथ है हमारा 1, ये 1 हो गया, एंटर करेंगे। उसके बाद आ गई डेट, डेट है दोस्तों आज 3 तारीख है, तो यहाँ से 2 और 3 इसमें एंटर कर देंगे। तो ये आपकी डेट है जो सेट हो चुकी है, प्रोग्राम हो चुकी है। अब हम फिर क्लॉक पे जाएंगे, तो अभी हमने क्लॉक सेट करना है। तो क्लॉक सेट करने के लिए आपने जैसे हावर सेट करने हैं, क्लॉक प्लस हावर्स वाली की अगर आप दबाओगे, ये देखिए अभी का टाइम जो हो रहा है 6 बज रहे हैं, 5:54 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। और ये मिनट्स सेट करने हैं, तो यहाँ पे मिनट्स हम यहाँ से रिवर्स में भी जा सकते हैं, ये हो गया मिनट्स, यहाँ पे हम 54-55 हो चुके हैं, तो 55 पे करेंगे। एक बार दोबारा सेट करते हैं दोस्तों, ये हो गया 5:55, टाइम सेट हो गया। तो डे कौन सा है यहाँ पे देखिए, छोटा सा सिंबल आ रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे आ रहा है, तो आ जाए थर्सडे। तो क्लॉक प्लस डी प्लस वाली की से हम जो है डे सेट कर सकते हैं, ये थर्सडे, एंड अभी इसको एंटर करेंगे। तो ये हमारा टाइम है जो टाइम सेट हो चुका है, ये पीएम में है। अभी दोस्तों इसके बाद जो है जैसे हमने प्रोग्रामिंग करनी है, अभी 5 बजे हैं, तो 5:55 हुए हैं, तो हम इसको पीआर को प्रेस करेंगे। ये हमने पीआर को प्रेस किया, ये हमारा फर्स्ट जो है प्रोग्राम आ गया। तो यहाँ पे पहले हम डालेंगे 5 आवर्स में, 5, और उसके बाद मिनट्स को सेट करेंगे, मिनट्स रिवर्स में लेके जाएंगे। 5:55 हो रहे थे तो 5:57 कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया ऑन का टाइम कि रिले हमारी 5:57 पे ऑन होगी। तो दूसरा हम करते हैं दोस्तों, फिर एंटर करते हैं इसको प्रोग्राम को। अभी ये ऑफ का टाइम है, यहाँ पे हम डालेंगे, ये पहले हम डालेंगे हावर्स 5, वो हमने 57 डाला था, ये हम 58 डाल देंगे। तो यहाँ से हम पहले इसको प्रेस करेंगे, अब रिवर्स में लेंगे, 58 पे हमने ये प्रोग्रामिंग कर दिया। तो ये अभी एएम में है देखिए दोस्तों, तो आप इसको दोबारा हावर्स में जाओगे, अभी ये पीएम में आ चुका है 5:58, ये हो गया दोस्तों। एंड एक बार फर्स्ट प्रोग्राम भी चेक कर लेंगे, पहले क्लॉक में आएंगे, क्लॉक में आ गए, फर्स्ट प्रोग्राम है जो हमारा, ये भी दोस्तों एएम में शो कर रहा है, इसको भी हम एक बार पीएम में ले लेंगे। तो ये पीएम में आ चुका है, ये 5:57 हो गया, तो इसको हम एंटर हो गया। एंड अभी हम दोस्तों फिर क्लॉक पे आ जाएंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम देख एक बार जाके फिर देख सकते हैं कि प्रोग्राम सेट है या नहीं है। तो
इसमें जाएंगे, 558 पे ऑफ है ये पहला प्रोग्राम, ये 557 है, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि एक मिनट तो हो ही चुका है, 558 हो गया। तो अभी प्रोग्राम नंबर दो पे जाएंगे जो ऑफ का टाइम है, ये प्रोग्राम नंबर एक हो गया, ये हो गया दो, तो इसको करेंगे 59 और बैक आएंगे दोस्तों। अभी हम इसको पावर देते हैं, ये हमने पावर दे दी, तो ये हमारा जो है इसने रिले को ऑन कर दिया दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है इसके साथ। तो अभी 58 है, 59 पे ये ऑफ हो जाना चाहिए, तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम है जो सही तरीके से हुआ है या नहीं। ये देखिए दोस्तों 59 पे ये ऑफ हो चुका है। इस तरह से आप इसमें दोस्तों 16 प्रोग्राम आप डाल सकते हो, 16 प्रोग्राम, तो 16 प्रोग्राम में से आप किसी भी टाइम, किसी भी डे, किसी भी मंथ, किसी भी दिन में आप जो है अपनी लाइट वगैरह या कोई भी आपका इक्विपमेंट है उसे स्टार्ट स्टॉप करवा सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।